से, और सुबह शाम ठंड जो है अब बढ़ेगी और दिन में जो है खुली धूप देखने को मिलेगी, सुबह शाम ठंड। ड्राई वेदर है लगभग 9 दिन तक, दिसंबर के फर्स्ट 9 डेज में ड्राई वेदर रहने के चांसेस। मौसम बदलता हुआ मौसम नजर आ रहा है तो क्या कहेंगे आप? जी पेशन वही पहले से थी, खासकर 29-30 के दरमियान एक स्पेल होगा, तो आज लेट नाइट से जो है कल हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिली, और इसी तरह आज सुबह से ही वक्फे से हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें मैदानी इलाकों में चल रही है, और ये स्पेल जो है आज इंटरमीडियंटली कंटिन्यू रहेगा खासकर लेट इवनिंग नाइट तक, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली कम होगा, और कल लगभग 4 नून से जो है वेदर में बेहतरी आएगी और लगभग 9 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। बीच बीच में जो है क्लाउडी हो सकता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है शुरू के लगभग 9 दिन। और अगर ठंड की बात करें जो ठंड अभी तक थी, मिनिमम टेम्परेचर पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और +3-4 तक भी गया है, खासकर जो उससे पहले जो है मंथली 2 तक भी गया था खासकर मैदानी इलाकों में, तो कल भी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव रहेगा मिनिमम टेम्परेचर, और खासकर 2 दिसंबर से जो है ड्रास्टिक रिडक्शन होने के चांसेस हैं, और सुबह शाम ठंड जो है अब बढ़ेगी और दिन में जो है खुली धूप देखने को मिलेगी, सुबह शाम ठंड उसी हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ जो फॉगी वेदर कंडीशन थे पिछले कई दिनों से वो उसमें बेहतरी आएगी और खुली धूप देखने को मिलेगी खासकर शुरू के 6-7 दिन, और उसके बाद जो है फिर से रीडेवलप होगा फॉग लाइक कंडीशन, तो 6-7 के बाद जो है फिर से जो है फॉगी वेदर कंडीशन दोनों होने के पूरे चांसेस। तो जो ये ड्राई वेदर है फिर 2 दिन के बाद फिर से ड्राई वेदर रहने वाला है या फिर? अभी ड्राई वेदर है लगभग 9 दिन तक, दिसंबर के फर्स्ट 9 डेज में ड्राई वेदर रहने के चांसेस।